आज जनपद फिरोजाबाद के श्री गोपीनाथ इंटर कॉलेज में फिरोजाबाद विज्ञान क्लब द्वारा एक वैज्ञानिक जागरूकता एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन फिरोजाबाद जिला अधिकारी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला महिला कल्याण अधिकारी अनम जी ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में विज्ञान प्रदर्शनी के साथ साथ कोरोना से संबंधित भाषण प्रतियोगिता एवं पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोरोना से सावधान रहने के लिए सचेत किया। श्री गोपीनाथ इंटर कॉलेज, किड्स कॉर्नर, हैप्पी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी बालिका इंटर कॉलेज एवं अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। विद्यालय में छात्र छात्राओं के विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं अध्यापक गण मौजूद रहे। साथ ही बच्चे प्रतियोगिता के प्रति काफी उत्सुक दिखे। कार्यक्रम में सभी ने अच्छा प्रतिभाग किया। अंत में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार वितरित किए गए और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बाल वैज्ञानिक का नाम देकर सराहना दी। फिरोजाबाद से विशाल वर्मा की रिपोर्ट, KIA न्यूज फिरोजाबाद। बच्चों ने आज जो यहाँ का थीम था, जिसमें आज एग्जीबिशन रखी गई, मेजर थीम था COVID-19 को हमें समझना और जन जागरूकता विकसित करना, और साइंस के माध्यम से इस चीज़ को समझ पाना कि ये हमारे लिए, समाज के लिए कितना डेडली है। अभी भी हम लोगों को बिल्कुल फ्री होकर नहीं बैठना है, हमें उस चीज़ के लिए अभी भी निरंतर लड़ाई लड़नी है। और इन सब चीज़ों से हमें सैनिटाइजर और मास्क और जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स का हमने पालन करने आए हैं सर, आज किस तरीके का विद्यालय में कार्यक्रम किया गया है? ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं तकनीकी परिषद द्वारा आयोजित किया गया है। इस के माध्यम से हम अपने संपूर्ण आवाम को निर्देश देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किस तरह से कोरोना महामारी दुनिया में फैली और उस महामारी के फैलने के बाद किस तरह से इससे बचाव किया गया। और इसमें तीन चीज़ें हैं, कोरोना, COVID-19, वैश्विक महामारी और उसके बाद वैज्ञानिक जागरूकता। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं और जो अन्य विद्यालयों से आए हुए जो छात्र हैं, वो सभी इन तीनों इस पॉइंट के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, पोस्टर के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से और स्पीच के माध्यम से अपने विचारों प्रस्तुत करेंगे। एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि कोरोना तो लगभग हम उस विजय पा चुके हैं, लेकिन एक बात सत्य है कि हमने ये जान लिया है कि हम बिना प्रमाण हथियारों को जी सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जीने के लिए मंदिर, मस्जिद, ये जो मुद्दे हमारे चलते हैं, उनसे बेहतर की आवश्यकता है कि हम ध्यान रखें कि हमको जरूरत है शिक्षकों की, डॉक्टरों की, नर्सों की, अच्छे से हॉस्पिटलों की जरूरत है। हमें उस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, ना कि हमें किसी अन्य तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं अपने भाइयों बहनों को बताऊंगा कि कोरोना के लक्षण क्या होते हैं, इसको बचने के उपाय क्या होते हैं, और मैं यही प्रयत्न करता हूं कि मेरे भाई आज बाल वैज्ञानिक हैं, कल युवा वैज्ञानिक बनके देश की सेवा करें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला विज्ञान तत्वाधान में जिलाधिकारी आदरणीय श्री सुरपाल गंगवार जी, मुख्य विकास अधिकारी श्री सचित गौर जी एवं अन्य जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से आज गोपीनाथ इंटर कॉलेज में यहाँ के प्रबंधक अजय कुमार गुप्ता जी, प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी के सानिध्य में आज की मुख्य अतिथि अन्नम अक्सा जी के साथ आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका विषय है COVID-19 वैश्विक महामारी पर वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम। आज इस वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विद्यालयों, शुभवा से बीआर इंटर कॉलेज माधोगंज, एमजी इंटर कॉलेज फिरोजाबाद, BTS SR इंटर कॉलेज, अन्य कई विद्यालय के 260 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया है। इसमें कई विद्यालय के प्रधानाचार्य और इसमें मुख्य अतिथि के साथ विशेष अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष श्री उमेश यादव जी भी रहे हैं। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आज भी COVID-19 संकट को बचाना है। हमें पार्टी फंक्शन नहीं करने चाहिए, और हमें